तो 20 मई को Redmi Note 7S इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है, और ऐसा पहली बार होने वाला है कि Xiaomi जो है Redmi Note सीरीज़ के अंदर दो फ़ोन से ज़्यादा फ़ोन रिलीज़ करने वाली है। लाइक तीसरा फ़ोन ये Redmi Note 7 सीरीज़ का होने वाला है। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा कर रहा है Xiaomi, उसका क्या प्राइस होगा, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई Redmi Note 7 जो है फरवरी में रिलीज़ हुआ था Redmi Note 7 Pro के साथ, लेकिन Redmi Note 7 के रिलीज़ होते से ही जो है ये फ़ोन डेड हो चुका था, लाइक बिल्कुल ओपन सेल में चला गया था। तो भाई Xiaomi की तरफ से कोई फ़ोन जो है अगर ओपन सेल में पहले ही चले जाए तो ये समझ लो कि वो फ़ोन जो है पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। तो Redmi Note 7 के फ्लॉप होने के बहुत सारे रीज़न थे। सबसे बड़ा जो मेन रीज़न था वो खुद उसका बड़ा भाई यानी कि Redmi Note 7 Pro था, क्योंकि 2 से 3 हज़ार रुपये महंगा ही था वो फ़ोन, और उसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिल रहे थे एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 7। अब आई डोंट नो क्यों Redmi Note 7 में इतने कम स्पेसिफिकेशन दिए एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 7 Pro। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि भाई Redmi Note 7 जो है नहीं चला, और यही सबसे बड़ा रीज़न है Redmi Note 7S को रिलीज़ करने का, क्योंकि इसका जो है ऐसा पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है कि ये एक अपग्रेडेबल वर्जन होने वाला है Redmi Note 7 का उसके कैमरे में, क्योंकि जो कैमरा था Redmi Note 7 का वो 48 मेगापिक्सल का नहीं था, सिंपल कैमरा था। और जो ये Redmi Note 7S होने वाला है वो ऑफिशियली लाइक फाइनलाइज हो गया है कि ये 48 मेगापिक्सल के साथ आने वाला है। Xiaomi जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत हाई लेवल की कर रहा है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि अभी Redmi Note 7S के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके भाई फ़ोन को स्पेस में भेजा और वहाँ से जो है अर्थ की बढ़िया सी पिक्चर जो है रिलीज़ करी, और उसमें ऐसा बोला कि भाई 48 मेगापिक्सल जो है Redmi Note 7S में होने वाला है, और इस तरीके की इमेज जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो भाई स्पेस में फ़ोन भेज रहे हैं यार लोग, इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। और दूसरा है कि भाई मन्नू कुमार जैन, अगर आपको ज़िंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस देखना है लाइव तो इस बंदे को देखो यार, क्योंकि ये जो है खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता है बड़ी बड़ी कंपनीज को ट्विटर पे। तो उसी के साथ इन्होंने एक और ट्वीट किया है, ये आप जो ट्वीट पढ़ सकते हैं, ये ट्वीट में जो उन्होंने लिखा है कि भाई फ़ोन जो है 48 मेगापिक्सल के साथ आने वाला है, और रेड कलर का फ़ोन जो है वो बढ़िया दूर से चमकता हुआ दिख रहा है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट होने वाला है इसमें आगे पीछे दोनों। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जवाब देने वाला हूँ, पहला ये कि Redmi Note 7S का प्राइस क्या होने वाला है, और दूसरा ये कि Redmi Note 7 का अब क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूं, तो Redmi Note 7 जो है ऑलमोस्ट डेड है, इस फ़ोन के रिलीज़ होने के बाद तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आई थिंक कंपनी इसे बेचना ही बंद कर देगी। अब इसका जो है मेन रीज़न उनकी खुद की कंपनी है, क्योंकि भाई इतने कम स्पेसिफिकेशन दिए पहली बात, और Redmi Note 7 Pro में इतने अच्छे से स्पेसिफिकेशन दिए तो लोग जो है खरीद नहीं रहे। दूसरा रीज़न ये है कि भाई कंपनी Xiaomi जो है हमेशा एक स्ट्रेटजी फॉलो करता है, वो ये है कि कोई भी फ़ोन को जो है एक ही प्राइस टैग में रिलीज़ नहीं करता है, भले ही वो 1,000 का अंतर हो, लाइक 10,000, 9,000, 8,000 या फिर 11,000, लेकिन सारे फ़ोन के जो प्राइस है वो अलग अलग होते हैं। लेकिन अभी अगर आप अभी चेक करोगे तो दो फ़ोन जो है Xiaomi के, एक Redmi Y3 जो सेल्फी कैमरा के लिए फेमस है, और दूसरा Redmi Note 7, दोनों जो है एक ही प्राइस में मिल रहे हैं। तो ये भाई साफ साफ दिख गया है कि Redmi Note 7 जो है अब वहाँ से हटने वाला है। Redmi Y3 को तो वो लोग हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो जस्ट अभी रिलीज़ हुआ है, तो Redmi Note 7 जो है हटने वाला है। अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूँ कि Redmi Note 7S का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 10,999, लाइक 10,999 रुपीज़। अब उसका ये जो प्राइस है वो क्यों मैं आप लोगों को बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि अगर वो 11,000 से ऊपर जाते हैं तो भाई Redmi Note 7 जो है, Redmi Note 7S जो है वो भी फ्लॉप हो जाएगा। उसका रीज़न है खुद Redmi Note 7 Pro, फिर से क्योंकि Redmi Note 7S की जो स्पेसिफिकेशन है वो कम होने वाली है, ऑब्वियसली कम होने वाली है Redmi Note 7 Pro से, तो इसके कारण जो है उसका प्राइस जो है 11,000 से ऊपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो Redmi Note 7 Pro जो अभी मिल रहा है वो 14,000-15,000 रुपये में आपको मिल रहा है, वो भी अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन के साथ, इसलिए जो इसका प्राइस है वो 11,000
11,000 तक ही होगा, उससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये जो है प्राइस का आप लोगों को मैंने क्लियर आइडिया दे दिया है। अब अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आप लोगों को फटाफट बता दूँ, तो भाई कोई एकदम से खास टाइप की स्पेसिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे कि आपने जो इमेज देखा है, जो उनका ट्वीट देखा मनु कुमार का, तो उसमें जो फ़ोन है रेड कलर में मिल रहा है, तो लाइक रेड कलर में जो है ये फ़ोन आने वाला है। उसके साथ साथ इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट आगे पीछे बैक पैनल में मिलने वाला है। उसके साथ साथ इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा, और इसकी जो स्नैपड्रैगन होने वाला है वो स्नैपड्रैगन 660 होने वाला है। कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल, जैसे कि आप सभी को पता है। उसके साथ साथ इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। अब अगर इसकी मैं बैटरी की बात करूँ तो वो आपको 4000 mAh की मिल जाएगी, और बाकी के जो कलर है वो आपको ग्रेडियंट, लाइक ब्लू ग्रेडियंट, ब्लैक ग्रेडियंट, इस तरीके के जो रेडमी नोट 7 जो है, रेडमी नोट 7 प्रो जो है, उस तरीके का ही आपको ये फ़ोन होने वाला है। लेकिन कुछ थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन चेंजेस है, जो मेजरली स्पेसिफिकेशन चेंज है वो उसका कैमरा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो भाई रेडमी नोट 7 को जो है अपग्रेड करना था, इसलिए उन्होंने Redmi Note 7S को रिलीज किया है। और आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो कि Redmi Note 7S का रिलीजिंग का रीजन क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो इस वीडियो में गाइस सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।